जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन किए हुए 5-6 घंटे हो जाते हैं, 5-6 घंटे के बाद हमारा भोजन अमाशय में से नीचे जाता है, छोटी आंत में, वहाँ भी हाजमे का काम चलता है। अमाशय में इसको 6 घंटे के बाद खाली होना ही पड़ता है। जैसे ही 6 घंटे के बाद अमाशय खाली होता है, तुरंत सुकड़ जाता है। तुरंत सुकड़ते ही जो उसके अंदर वायु होती है वो हमारे मुंह में आती है। इसको हम कहते हैं भूख डकार। क्या कहते हैं? भूख डकार। ये कब आती है? ये भोजन से लगभग 6 घंटे के बाद में आती है। 6 घंटे के बाद में आने का मतलब है, अमाशय कहता है कि आपने मेरे को ये काम दिया था, मैंने अभी अभी पूरा किया है, अभी मेरे को 1-2 घंटे का आराम दे दीजिए, फिर आप जो भी काम दोगे मैं खुशी से करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक दफा अनाज खा लिया गया तो 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है, जो दिन में एक दफा खाएगा वो योगी, जो 2 दफा खाएगा वो भोगी, और जो 3 दफा खाएगा वो रोगी।